की दुनिया के दोस्तों, जय हो राजा रणथोड़ की। कबहुक हो यही रहन रहोगे, श्री रघुनाथ कृपाल कृपाते, संत सुभाव लहोगे, जथा लाभ संतोष सदा, काऊ सो कुछ न चहोगे, परियत निरत निरंतर, मन कम वचन नेम निभोगे, परुष वचन अति दुसो, श्रोण सुनी तेयक पावन दहोगे, विगत मान समशीतल मन पन गुण नहीं दोष कहोगे, परिहर दे ये जनित चिंता, दुख सुख सम बुद्धि सहोगे, तुलसीदास प्रभु ये पथ रही है, विचले हरे भक्ति लहोगे। जय हो राघवेंद्र जुगल सरकार की पुण्यात्मा हो। तुलसीदास प्रभु ये पथ रही है, विचले हरि भक्ति लहोगे, जहाँ संतु की महिमा रामायण में गाई गई है, वहाँ असली असंतों की निंदा भी कम नहीं की गई है। मित्रों, ये दोनों वर्ग दो संस्कृतियों के प्रतीक हैं, एक को देव पक्ष और दूसरे को असुर पक्ष कह सकते हैं। एक परंपरा को अपनाने वाले नरदेव महामानव पुरुषोत्तम और दूसरे को अपनाने वाले नर पशु यानी पिशाच कहे जा सकते हैं। आप प्रकृति की दृष्टि से दोनों एक जैसे होते हैं, उनके शरीर रचना में कोई अंतर नहीं होता, मात्र प्रकृति भिन्न होती है। असुरों का काला मुंह, सुख से बाहर निकलते हुए लंबे दांत, पहने नाखून और सिर पर सींग चित्रण किए जाते हैं। इस प्रकार की सकल सूरत के प्राणी कहीं नहीं पाए जाते। इस अलंकारिक चित्र में यही बताया गया कि असुर प्रकृति के मनुष्यों का सुख दुष्कर्मों की कलंक कालिमा से काला होता है। ये पेट स्वार्थी, लोभी, कृपण और संग्रही होते हैं। उनके बड़े दांत उचित अनुचित सबको उदास करने के लिए मुखी मर्यादा से बाहर निकले रहते हैं। हाथों में बड़े नाखूनों का होना हिंस पशुओं की भांति अपना कर आक्रमणकारी आबादकारी कुकृत्यों में संलग्न होने की दुष्प्रवृत्ति को प्रकट करता है। इस दुष्ट परंपरा को, असुर संस्कृति को, पशु प्रवृत्ति को अपनाने वाले लोगों की कमी नहीं। रामायण में इन्हीं को असंत बताया गया है। सज्जनों, असुरों की इच्छाएं, कामनाएं, मान्यताएं, विचारनाएं, आदतें ऐसी घृणित और निकृष्ट होती हैं कि उस आग को अंतरंग में जलाकर वे स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को दुख देते हैं, स्वयं गिरते हैं और दूसरों को गिराते हैं। जिसकी विचारनाएं निकृष्ट आत्माओं होती है, उसकी कृतियां घृणित होकर रहेंगी। विचार की स्वाभाविक प्रतिक्रिया कर्म में होती है। जो जैसा सोचेगा वह वैसा करेगा भी। अपना पतन और दूसरों का उत्पीड़न, यही है असंत के व्यक्तित्व का विश्लेषण। इस असुर संस्कृति के निंदनीय स्वरूप और दुख प्रतिफल में रामायण ने जनसाधारण को सचेत किया है और उससे दूर रहने की प्रेरणा दी है। संत असंत देव दानव का अंतर क्षमताओं का नहीं, उनके प्रयोग की दिशा और ढंग का है। ये तथ्य स्पष्ट करते हुए मानस के वंदन क्रम में खलों की वंदना करते हुए उनमें अनेक क्षमताओं की चर्चा की गई है जिन्हें सामान्य रूप में अच्छा माना गया है, लेकिन गलत दिशा में प्रयुक्त होने से वे हानिकारक हो जाते हैं। जैसे आवाज की दुनिया के दोस्तों, परे अकाज बट शेष बाहु से, योद्धा होना शेष गुण है, पर उसको वीरता दूसरों के काम बिगाड़ने में लग जाती है। जे पर दोष लखई सह साखी, शेष नैन पर दोष निहरा, सह साखी शस्त्र साखी का अपभ्रंश, जिसका अर्थ है हजारों
साक्षी के बराबर सूक्ष्म अवलोकन करने की क्षमता से संपन्न उसी तरह का भाव शास्त्र नयन में संबोधन में है जो देवराज इंद्र के लिए प्रयुक्त होता है। क्षमताएँ श्रेष्ठ हैं किंतु परदोष दर्शन में उनका प्रयोग होने से वे अहित कर हो जाती हैं। मित्रों उसी प्रकार आत्मा बलिदान एक श्रेष्ठ प्रति है किंतु उसका दुरुपयोग देखिए। परिहित घृत जिनके मन माखी जैसे मक्खी घी में कूद कर स्वयं भी मर जाती है और घी को भी खराब कर देती है, ऐसे बलिदान कैसे प्रसन्न कहा जा सकता है? ऐसे दूसरों का उदाहरण है। सज्जनों नीच नीच सब तर गए, राम भजन लवलीन और जाति के अभिमान में डूबा सभी कुलीन। सज्जनों हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पर अकाज लग तन पर रही, दिमहे में उपल कृषि दल कर रही। जिस प्रकार ओले कृषि को नष्ट करते हैं और स्वयं भी गल जाते हैं, वैसे ही दुष्ट व्यक्ति दूसरे के अहित में अपने प्राणों की बाजी लगा देते हैं। वस्त्र होना शेष गुण है किंतु श्रवण क्षमता का भी दुरुपयोग देखिए। पर अब सुने इस ऐसे दस काना, खल दूसरों के पास 10,000 कानों से सुनते हैं, सुनने में बड़ी रुचि रखते हैं, गाते हैं। इसी प्रकार कोई अपने प्रति शत्रुता का भाव रखता है, कोई मित्रता का रखता है अथवा उपेक्षा रखता है। इसका ख्याल किए बिना सबके साथ एक सा व्यवहार रखना समता का आदर्श है, किंतु इस प्रकार की समता का प्रयोग खलन प्रकाश से करते हैं। उदासीन और मीत हित सुनत रही खल रीत, अतः मानसकार सबको सावधान करते हैं कि केवल सामर्थ्यों सफलताओं। हरे हरे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। योग्यताओं और विभूतियों से मनुष्य का मूल्यांकन न करें, उसकी सद्विचार तथा आचरण की दिशा देख कर करें। खलों से बचने के लिए भरत जी को संतों के लक्षण बताने के बाद भगवान राम स्वयं ही असंतों के स्वभाव को समझाते हुए कहते हैं। मित्रों सुनऊ असंतन के स्वभाव, भूलऊ संगति कर उन्हें काऊ, तिनकर संग सदा दुखदाई, जिम कपले घाले हर हाई, खलर हृदय अति ताप विशेषी, जरि सदा पर संपत्ति देखी, जय कहु निंदा सुनई पराई, अरसई मनऊ परी निधि पाई, काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिली मलायन, बैर कारण सब काऊ सो, जो कर हित अनहित ताहू सो, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ चबेना, बोले मधुर बचन जिम मोरा, खाय महा यही हृदय कठोरा, प्रदोही पर दार रत है, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप मै, ते धरे मनुजाद, लोभ ओढ़न लोभ दासन, शीशोदर पर जो पुरतासन, काहू की जो सुनही बढ़ाई, श्वास ले ये जन जूड़ी आई, जब काबू को देखे विपति, सुखी भये मानव जगनपति, स्वार्थ रत परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी, नर शरीर दे पर पीरा, करहि सहे महाभव वीरा, करहि मोहि बस नर यज्ञाना, स्वार्थ रत परलोक समाना, स्वार्थ रथ पर लोक नसाना। काकभूषण जी भी गरुड़ जी को सावधान करते हुए कहते हैं कि खल लोग स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरों को दुख पहुंचाते हैं। मित्रों सन इव खल पर बंधन करई, खाल कढ़ाए विपत्ति से मरई। तुलसीदास जी ने ऐसी प्रवृत्तियों को हर जगह निंदा की है। देवगण स्वार्थवश राम के राजा विषय से प्रसन्न नहीं होते तो मानसकार की उक्ति है, तिन्हीं सहायन अवधे भरावा, चोरई चंदनी रातिन भावा, ऊंच निभावे नीच कर तूती, देख न सकई पराय विभूति, उतर देवन ले ये उसासु, नारी चरित कर डारई आंसू, सहज सरल गुभर बचन,
कुमती कुट लेकर जान चले जोग जल चक्र गति इज्जत भी सलील समान। जय हो राघवेंद्र जुगल सरकार की, लाडली के लाल की, राजा रणछोड़ की, द्वार का भगवान की जय हो। मित्रों सब्सक्राइब की करते ही वार ला दें, ये नितांत आवश्यक है। मेरी आपसे सज्जनों विनम्र गुजारिश है, आप मेरी दरखास्त की अपील करें, नित नया कविता आपको सुनने के लिए मिलेगा। हरे हरे।